कल बकरीद के त्यौहार के दिन मैं सबको पहले शुभकामनाएं देता हूं और हमारे शहर में यह त्यौहार अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो, इसके लिए सब अपने नौजवान हैं और सब लोग हैं, उनको छोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना है। सुबह जल्दी नमाज होगी, उसके बाद कुर्बानी की शुरुआत होगी। तो कुर्बानी के बाद जो कुछ हमने मांस है या वो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं महापालिका की तरफ से, वहाँ पानी की व्यवस्था रहेगी, या जो कचरा होगा वो भी निकालने की व्यवस्था होगी। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो आते जाते समय जो कहीं बैग में से मांस लेके जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कहीं खून या बाकी कुछ चीज़ें रास्ते पे ना गिरे। और जो नौजवान है उनको यह है कि सलाह है कि वो कुछ वीडियो बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट करना ये वगैरह, मुझे लगता है यह अच्छा नहीं है। हमारा सोशल मीडिया सेल भी वो सब मॉनिटरिंग कर रहा है, तो पूरा त्यौहार अच्छे से हो, कुर्बानी सबकी ठीक ठाक हो, तो मुझे लगता है पूरा प्रशासन तैयार है, पूरे शहर में अच्छा बंदोबस्त लगाया हुआ है, होमगार्ड्स है, SRPF है, हमारे राइड कंट्रोल पार्टी है, तो पूरे हर जगह हर पुलिस स्टेशन में मोहल्ला समिति शांतता समिति की मीटिंग भी ली गई हुई है, तो सब इश्यूज़ के ऊपर चर्चा हुआ है, तो मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और सभी लोगों के जो सहकार्य से मुझे लगता है कि ईद का त्यौहार अच्छी तरह से शहर में हो जाएगा। सर आपका नाम?